मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शायद देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शादी के समारोह का आयोजन किया गया। एक ऐसा विवाह समारोह जिसमें देश के कई गणमान्य नागरिक शरीक हुए, एक ऐसा विवाह समारोह जिसमें देश के सबसे बड़े राजनीतिक घरानों के लोग शामिल हुए, एक ऐसा विवाह समारोह जिसमें तकरीबन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों सहित मध्य प्रदेश की सियासत के सैकड़ों सांसद और विधायक शामिल हुए। दरअसल ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पुत्री निवेदिता का विवाह था। निवेदिता ने मंगलवार को सीहोर जिले के धनकोट निवासी नीरज सिंह भाटी के साथ सात फेरे लिए। वरवधू को आशीर्वाद देने प्रदेश ही नहीं देश भर से राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां ग्वालियर पहुंची। विवाह समारोह शहर के मेला ग्राउंड पर आयोजित किया गया, जहां शाम से शुरू हुआ वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। नीरज सिंह भाटी इको टूरिज्म में डायरेक्टर हैं। वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। इंग्लैंड से हायर एजुकेशन पूरी करने के बाद वे सीहोर लौटकर बीजेपी से जुड़ गए थे। नीरज धनकोट से सरपंच भी रह चुके हैं। उनके पिता अनूप सिंह भाटी कांग्रेस के सक्रिय नेता माने जाते हैं। भाटी परिवार धनकोट रियासत का सबसे बड़ा जमींदार परिवार है। अब बात करते हैं शादी में शामिल हुए मेहमानों की। इस शादी में शिरकत करने केंद्र और मध्य प्रदेश ही नहीं अन्य सरकारों के कई मंत्री भी आए। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम एन मौके पर रद्द हो गया। मेहमानों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कर्नाटक के पूर्व CM बाल बेराव गोसाढ़े शामिल रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, पूर्व मंत्री माया सिंह, इमरती देवी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, पंडोखर सरकार समेत कई जानी मानी हस्तियां सम्मिलित हुई। शादी में आने वाले मेहमानों को कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने खासी तैयारी की थी। पुलिस विभाग के 2000 से ज्यादा जवान अफसर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में लगे थे। स्वास्थ्य सेवाएं भी अलर्ट पर रखी गई थी। कार्यक्रम स्थल पर मेहमानों के पहुंचने के लिए ग्वालियर में स्पेशल रूट तैयार किया गया था। रेलवे स्टेशन और विमानतल से सर्किट हाउस, मेहमानों के होटल से लेकर मेला ग्राउंड तक ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 25 सेक्टर में 5 DSP तैनात रहे। अधिकांश मेहमान अलग अलग फ्लाइट्स, वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली और भोपाल के जरिए पहुंचे।